हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। तो फ्रेंड, आज हम लोग बनाने वाले हैं लॉर्ड बुद्धा का ड्राइंग, और आप इसमें बताएंगे ये ड्राइंग हम कैसे बनाए हैं और आप ये ड्राइंग कैसे बना सकते हैं। चलिए तो फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, ये ड्राइंग को पहले, फ्रेंड ये जो वीडियो है इसका जो पीछे जो ड्राइंग बन चुका है पहले से बैकग्राउंड, और हेड का जो जो हेयर है, ये लॉर्ड बुद्धा का हेयर है जो, वो बन चुका है पहले से। तो फ्रेंड वो वीडियो डिलीट हो गया था तो हम बता नहीं पाए थे। तो फ्रेंड हम बता देते हैं ये कैसे बना है। तो फ्रेंड आपको कुछ नहीं करना है, बस जो बुद्ध भगवान का जो बैकग्राउंड है उसको आप लोग ब्लैक कलर से पहले कलर कर देना है। उसके बाद जो पीला कलर होता है फ्रेंड, और जो ब्रूस होता है सूखा ब्रूस, उसको गलती से ही पानी मत लगाइएगा, उसको सूखे ब्रूस से ही उस पेंट को ड्राइंग पे लाइन दीजिए। इससे ये होगा कि पीछे जो बैकग्राउंड है वो क्लियरिटी में दिखेगा, अच्छी क्लियरिटी में दिखेगा, वो बैकग्राउंड अच्छा बनेगा, लाइन एन आएगा। सूखे ब्रश से कीजिएगा आप लोग। और जो फ्रेंड जो है, और जो फ्रेंड जो हेयर है उसको हम ब्लैक कलर किए हैं, तब उसके बाद ब्लू डॉट दिए हैं। ब्लू डॉट आपको ब्लू और हल्का व्हाइट मिलाकर डॉट देना है, तब उसके बाद डॉट दे दीजिए पूरा हेयर पे। तब उसके बाद फ्रेंड आप देख रहे हैं इसमें हम ब्लैक कलर लगा रहे हैं। आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको ये रखिए, ये याद रखिएगा कि आप जो प्राइम कर रहे हैं ब्रश से, इसे में आप फेस को यहाँ पे मिलाना है, यहाँ से इस एरिया में ये कलर कुछ अलग है, ये कलर कुछ अलग है, तो उसको आपको ब्लाइंड करना है। तो सूखे ब्रश से कीजिएगा, हम भी किए हैं और अच्छा ब्लाइंड हो रहा था, तो आप भी सूखे ब्रश से कीजिएगा उस एरिया को। और जहाँ कुछ कुछ नहीं करना है, बस आपको फोटो देखना है, उस फोटो का लिंक हम दे देंगे फ्रेंड नीचे, आपको वो फोटो देखना है, और जैसा वो फोटो में जो कलर है वही कलर आपको देना है। और ज़्यादा मुश्किल, और ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है उसमें, प्रॉब्लम है ब्लाइंड करने का, ब्लाइंड तो आपको सूखे ब्रूस से कीजिएगा, अच्छा आएगा, क्योंकि हम भी किए हैं। तो फ्रेंड ये ड्राइंग मुझको एक दिन में नहीं आया है, इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, बहुत ज़्यादा इसको सीखे कि कैसे ब्लाइंड करना है कुछ और ड्राइंग पेपर पे। तो फ्रेंड आप उस पर यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि एक बार लगने के बाद ख़राब हो जाएगा, तो भाई दूसरे पेपर पर यूज़ कर लीजिएगा, आप कर पा रहे कि नहीं। उसमें सबसे मेन महत्व है उसका ब्लाइंड करना, कि आप इस कलर को उस कलर में कैसे आप मिला रहे हो उसको अच्छे से, कैसे बुझाएं ना। तो आप लोग फ्रेंड ब्लाइंड करना ही सीखिएगा, क्योंकि वही मेन चीज़ है। और कुछ नहीं है फ्रेंड, इस ड्राइंग में आप भी बना सकते हैं, तो यही है बस। आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको जैसा ये फोटो है वैसे ही कलर आपको देना है, मेन चीज ये ब्राइन करना, वो ही बस कीजिएगा। पहले आप देख लीजिए कैसे हम बनाए हैं, एक एक कलर को ध्यान दीजिएगा, हम किस किस कलर का ज्यादा यूज कर रहे हैं। वैसे तो ब्लू बहुत ज्यादा यूज हुआ है, ब्लू हो गया एंड व्हाइट हो गया। तो फ्रेंड एंजॉय म्यूजिक एंड वीडियो।
होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे ऐसी वीडियो में। आज के लिए इतना ही।